हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिप्स एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस। आई एम रमेश निषाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी समरी ऑफ द लेसन। लॉस्ट स्प्रिंग यानी बसंत का खो जाना। इट हैज बीन रिटन बाय एनिस जंग एंड इन दिस स्टोरी वी विल सी टू डिफरेंट स्टोरीज। आज की स्टोरी में हम देखेंगे टू डिफरेंट स्टोरीज। समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये दो डिफरेंट स्टोरीज है और दोनों स्टोरीज में अलग अलग पात्र हैं और इन दोनों स्टोरीज की जो थीम है वो सेम है, पावर्टी को लेकर के एंड चाइल्ड लेबर को लेकर के। सो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे और किस तरह से स्प्रिंग यानी जो बचपना है, चाइल्डहुड है, वो खो जाता है। मीन्स कैसे लड़के को यानी बच्चे को बचपन में जो पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, जिस समय उसके लिए इंजॉय का डे है, इंजॉय का दिन रहता है, उस समय जब बच्चों के ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां लग जाती है और उसे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सो ये जो वक्त होता है इसीलिए इसे कहा गया है लॉस्ट स्प्रिंग यानी बसंत का खो जाना। इट मीन्स बचपन, चाइल्डहुड का खो जाना। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी। Sometimes I find a rupee in the garbage। ये स्टोरी है साहेब आलम नाम के एक लड़के की, जो कि एक छोटा सा लड़का है और ये गार्बेज में काम करता है, रैक पिकिंग का काम करता है और ये कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है गार्बेज में जा कर के। सो ये सारी चीज़ें देख करके जो ऑथर है वो पूछती है, तुम ये काम क्यों करते हो, तुम कूड़े कचरे कबाड़े में ये सब काम तुम क्यों करते हो तुम? तो ये बताता है कि मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, सो मैं यही काम करता हूँ। सो जो आथर है वो कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते, ये सब काम क्यों करते हो? तो ये लड़का बताता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, अगर स्कूल बन जाएगा ना तो मैं पढ़ूँगा। तो आथर कहती है मजाक के लहजे में कह देती है कि अगर मैं स्कूल बनाऊँगी तब तुम क्या तुम आओगे? तो ये कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो आऊँगा ही। सो आथर जो है ऐसी मजाकिया लहजे में कह रहती है, बट ये जो लड़का है वो सीरियस ले लेता है। कुछ दिनों बाद यही लड़का दौड़ते दौड़ते आता है और आने के बाद फिर पूछता है आपका स्कूल बन गया? तो आथर जो है वो काफ़ी एम्बरेसमेंट फील करती है, काफ़ी लज्जित फील करती है कि मैंने ऐसा मजाक क्यों किया जो हो ही नहीं सकता है। सो ये कैसे भी करके बहाना करती है कि स्कूल बनने में काफ़ी वक्त लगता है, सो अभी नहीं बना है। सो इस तरह से ये आथर कहती है। आथर फिर बाद में सोचती है कि मैंने तो खैर मजाक किया, मेरे जैसे जैसे इस दुनिया में कई सारे लोग होंगे जो इस तरह की मजाक करते होंगे, सो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर आथर जो है वो लड़के से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तो ये लड़का जो है वो बताता है मेरा नाम है साहेब आलम। फिर आथर सोचती है कि इस लड़के को अपने नाम का जो मीनिंग है उसको पता नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग है साहेब आलम, इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी संसार का मालिक, और इसको जब बताया जाएगा तो इसे विश्वास करने में काफ़ी वक्त लगेगा। सो इस तरह से जो आथर है वो लड़के को देखती है, रोज़ रोज़ अब देखने लग जाती है, डेली लड़का जो है वो निकलता है और वही काम करता है, रैक पिकिंग का काम करता है गार्बेज में। सो आथर जो है देखती है कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ साथ और कई साथी हैं वो भी यही काम करते हैं। और एक दिन क्या है, आथर जो है इनके पास आती है और आकर के एक लड़के से पूछती है तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो? तो जो लड़का रहता है वो बड़ी ही शालीनता से जवाब देता है कि मेरी जो मम्मी है ना वो चप्पल को अलमारी से नीचे नहीं उतारी थी, सो इसलिए मैं नहीं पहना हूँ। तो जो नेक्स्ट जो दूसरा लड़का रहता है जो कि वो जूता पहना रहता है और वो जो जूते हैं वो बिल्कुल मैच नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के जूते पहने हुए रहता है। सो वो कहता है कि अगर इसकी मम्मी अगर चप्पल नीचे उतार के भी रखती ना तो भी ये नहीं पहनता, ये फेंक देता। सो इस तरह से वो बताता है कि ये बिना चप्पल के रहना हमारा ये ट्रेडिशन है, हमारी ये परंपरा है। सो इस तरह से जो बच्चे हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो बिना चप्पल के हम लोग रहते हैं, इट मीन्स ये हमारा मीन्स ये हमारी परंपरा है। सो ये जो बच्चे हैं वो कितने मासूम हैं, कितने इनोसेंट हैं। आथर सोचती है कि ये जो बच्चे हैं वो अपनी पॉवर्टी, अपनी गरीबी को छुपाने के लिए क्या कुछ नहीं कहते, इट मीन्स वो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि ये हमारी परंपरा है। सो इस तरह से आथर जो है वो सोचती है, उसको एक कहानी याद आ जाती है कि कुछ समय पहले जो एक था, एक लड़का था, गरीब लड़का था, पुजारी का बेटा, वो जो है कामना करता है कि उसे जूते मिल जाए और एक दिन उसकी जो कामना है वो पूरी हो जाती है। सो ये जो बच्चे हैं वो काफ़ी गरीब है, वो चाहते हैं कि उनके पास जूते रहे, चप्पल रहे, बट
इनके पास जूते नहीं हैं। आथर आगे सोचती है कि ये जो गरीब लड़के हैं और जो अमीर लड़के हैं, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। गरीब जो बच्चे हैं वो कभी भी कोई कामना विश करते हैं तो इनकी जो कामनाएं वो कभी पूरी नहीं होती, बट जो अमीर है, अमीर लड़के हैं, उनकी जो कामनाएं हैं वो आसानी से पूरी हो जाती है। सो इस तरह से आथर जो है काफ़ी सोचती है कि इन बच्चों की जो दशा है वो काफ़ी दयनीय है। आगे आथर जो है वो बताती है साहेब के फैमिली के बारे में कि जो साहेब है, साहेब ये कहाँ से था। साहेब की जो फैमिली थी वो ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी से बिलोंग करती थी और ये लोग वहाँ फसलें उगाया करते थे, क्रॉप्स उगाया करते थे, और उस समय स्टॉर्म्स की वजह से, तूफान की वजह से इनकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती है और जिनकी वजह से इनको ढाका से यहाँ आना पड़ता है यानी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में। और दिल्ली के जो सीमापुरी इलाके हैं इसमें ऐसी ऐसी फैमिली रहती हैं जो कि काफ़ी गरीब है और उनका व्यवसाय रहता है सिर्फ गार्बेज में ही वो जीवन यापन करते हैं, यानी गार्बेज से रैग पिकिंग का ही ये लोग काम करते हैं। और आगे आथर बताती है कि इनकी जो फैमिली, इनके जो परिवार वाले हैं उनको खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट मीन्स फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन से, और उनके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो या ना हो बट राशन कार्ड हर एक के पास है, इट मीन्स वो लोग आइडेंटिफिकेशन से ज़्यादा वैल्यू देते हैं फूड को, खाने पीने की चीज़ों को। और इस तरह से आथर जो है वो बताती है कि जो गार्बेज है, गार्बेज इन बच्चों के लिए क्या है, एक वॉन्डर है, मीन्स बच्चे जो है गार्बेज में कुछ ना कुछ चीज़ें खोजते रहते हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें, कॉइन्स वगैरह, मीन्स सोना चांदी, इस तरह की चीज़ें ये लोग कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। सो इस तरह से बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो एक तरह से वॉन्डर है, बट इनकी जो फैमिली वाले हैं, इनके जो परिवार वाले हैं, उन लोगों के लिए वही जो गार्बेज है वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी सर्वाइवल जीवन यापन का एक तरह से साधन है। सो इस तरह से इसके दो मीनिंग निकलते हैं। सो आथर जो है आगे साहेब से पूछती है, क्या पूछती है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलती है गार्बेज में और क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो ये जो साहेब है वो बताता है कि मुझे सिक्के मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, 10 के नोट मिलते हैं और कई कई चीज़ें मिलते रहते हैं। तो आगे जो है आथर पूछती है कि यदि तुम्हें चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तब तुम क्या रैग पिकिंग का काम छोड़ दोगे, तुम गार्बेज में ये सारी चीज़ें खोजना बंद कर दोगे। तो ये कहता है कि नहीं, मैं और खोजूंगा, इट मीन्स इनके पास एक उम्मीद ही रहती है, उम्मीद रहती ही है कि ये लोग जितना ज़्यादा खोजेंगे गार्बेज में उतनी ही और कई कई चीज़ें मिलती रहेगी। सो इनको काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। फिर विंटर का सीज़न आता है काफ़ी दिनों बाद। विंटर के सीज़न में आथर जो है देखती है कि ये जो लड़का है, साहेब है, ये जाली के किनारे, जाली के पास खड़ा हुआ देख रहा होता है। दो लड़के वो टेनिस खेल रहे होते हैं जो कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, और ये चाहता है कि मुझे टेनिस देखना पसंद है, मुझे टेनिस खेलना पसंद है, और ये स्वप्न देखता है कि मैं, काश मैं भी टेनिस खेलता, इट मीन्स ये टेनिस का खिलाड़ी बनने की स्वप्न देखता है। और ये जूते पहने हुआ था क्योंकि ये बताता है कि कोई अमीर लड़का जो है वो दे देता है, जूते दे देता है, क्योंकि वो जो जूते थे उसमें छेद हो गए रहते हैं। और आगे जो है आथर मिलती है तो ये आथर देखती है कि जो साहेब है वो स्टील का कैनिस्टर पकड़ा हुआ था और ये कहीं जा रहा होता है। सो अब ये जो लड़का है, साहेब है, वो अब स्वयं का मास्टर नहीं रहा। पहले जब ये गार्बेज में काम कर रहा होता था तो ये स्वयं का मास्टर था, जैसे भी रहे गार्बेज में काम करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश था, स्वयं का मास्टर था। नाउ बट इट हैज़ बीन चेंज्ड, मीन्स अब ये वो मास्टर नहीं रहा, अब ये किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा होता है, ये किसी टी स्टॉल को ज्वाइन कर लिया है, और ये बताता है कि इसे 800 रुपये मिलते हैं पर मंथ और खाना वाना ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो ये अब उतना खुश नहीं रहा, मीन्स जैसे ये पहले काफ़ी हैप्पी रहता था, काफ़ी केयरलेस लुक रहता था, लुकिंग में रहता था, बट अब ये उतना खुश नहीं है। इसके जो चेहरे हैं उस चेहरे में वो चमक नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। सो आथर जो है इस तरह से बताती है कि ये जब स्वयं का मास्टर था, जब ये गार्बेज में काम करता था तो ये काफ़ी अलग ही दिखता था, बट अब जब ये किसी दूसरे के अंडर में काम करने लग गया है, जब इसका मास्टर कोई दूसरा है, तो इसकी जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो अब पहले जैसे नहीं रही। सो इस तरह से ये जो स्टोरी है वो समाप्त होती है। अब हम देखने वाले हैं दूसरी स्टोरी जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी है मुकेश नाम के लड़के की और इस स्टोरी की शुरुआत होती है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद जो कि यूपी का एक टाउन है, और फिरोजाबाद
बैंगल्स के लिए काफ़ी फेमस है, यानी वहाँ पे रंग बिरंगी काफ़ी सुंदर चूड़ियाँ बिकती है, वहाँ पे बनाई जाती है। सो जो मुकेश नाम का लड़का है वो अपने आप को मास्टर बनाना चाहता है, अपने आप स्वयं का वो मास्टर बनना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो ड्राइविंग सीखना चाहता है। और जिस उम्र में मुकेश को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए, उस समय ये बंद कमरों में, गंदे कमरों में, बिना प्रकाश बिना हवा के ये काम करता है भट्टियों के बीच में। सो ये जो लड़का है वो काफ़ी मेहनत करता है और इस तरह से बचपन से ही काम करने लग जाता है। आथर जब इसके घर जाती है तो देखती है कि एक कमज़ोर सी युवती नज़र आती है जो कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। वो अपने साथ साथ मुकेश, मुकेश के भाई और मुकेश के पिताजी का भरण पोषण करती है। आगे जो है मुकेश की दादी बताती है कि ये जो युवती है, युवती अपने जो पति है यानी मुकेश के भाई को अंधे होते हुए खुद देखी है। इट मीन्स चूड़ी बनाने का जो काम होता है वो थोड़ा से डेंजरस रहता है, ख़तरनाक होता है, क्योंकि चूड़ी बनाने से इससे जो है आंखों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और लोग पहले से यानी उम्र से पहले ही अंधे हो जाते हैं। सो इस तरह से मुकेश के जो बड़े भाई है वो भी अंधे हो गए थे। और आगे जो है मुकेश की दादी बताती है कि ये जो काम है चूड़ी बनाने का जो काम है वो हमारी वंशगत परंपरा है और इसे हम नहीं छोड़ सकते। इट मीन्स उनका कहना था कि चूड़ी बनाने का ही काम हमारे लिए ही है, भगवान ने हमें जो काम दिया, हमारी जो ड्यूटी है वो यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बनाएं, इसके अलावा हम दूसरा काम नहीं करना चाहते। आगे जो है सविता नाम की एक लड़की रहती है जो कि एक वृद्ध पुरुष के बगल में बैठी रहती है और वो भी चूड़ियाँ बना रही होती है, इट मीन्स चूड़ी बनाने में मदद कर रही होती है। आथर बताती है कि ये जो लड़की, जो छोटी सी लड़की है वो चूड़ियाँ बनाने में मदद कर रही है, उसको खुद नहीं पता कि कुछ सालों बाद यही जो चूड़ियाँ है वो उसके कलाइयों में लगेगी। मीन्स जब इसकी शादी होगी, जब ये दुल्हन बनेगी तो उस समय यही जो चूड़ियाँ है वो इसके काम आएगी। सो जो वृद्ध जो महिला रहती है वो भी बगल में बैठी रहती है और उसके हाथों में भी वही चूड़ियाँ रहती है, उसकी कलाइयों में वही चूड़ियाँ रहती है। तो जो आथर है वो कहती है कि ये जो चूड़ियाँ थी, यही जो चूड़ियाँ थी जो वृद्ध महिला पहनी हुई है, सालों पहले वो वही चूड़ियाँ पहनी थी और उनके चेहरे में, उनकी आँखों में वो चमक थी जो चूड़ियों में चमक थी। सो जो चूड़ियों की जो चमक है वो अभी भी बरकरार है, यानी चूड़ियों की जो चमक पहले थी वो चमक अभी भी है वृद्ध महिला के हाथों में, बट अब जो उसकी आँखों की जो चमक है वो चमक अब नहीं रही। इट मीन्स चूड़ी बनाने से वो जो वृद्ध महिला की जो आँखों की जो चमक है वो कम हो गई है, मीन्स पहले जैसे अब नहीं रही। और जो बगल में जो बैठा हुआ जो वृद्ध पुरुष है, जो वृद्ध महिला के पति हैं, वो बताते हैं कि मैंने आज तक चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई दूसरा काम किया ही नहीं है और चूड़ियाँ बना बना करके मैंने अपनी उम्र भर में मकान बना पाया हूँ। इट मीन्स आथर ये बताना चाहती है कि ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये लोग चूड़ियाँ तो बनाते हैं और चूड़ियाँ बनाते बनाते इनकी उम्र बीत जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ एक घर ही बना पाते हैं। इट मीन्स ये उतनी तरक्की नहीं कर पाते जितनी इनको करनी चाहिए। फिर आथर जो है आगे इनसे पूछती हैं, इन लोगों से पूछती है कि आप स्वयं किसी संघ से क्यों नहीं जोड़ लेते, स्वयं आप सहकारी किसी समिति में क्यों नहीं जुड़ जाते। सो ये लोग बताते हैं कि आजकल क्या है कि जो पुलिस है, पॉलिटिशियंस है, साहूकार है, ब्रोकर्स है, इन लोगों की वजह से ये लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं। ये लोग बताते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, सहकारी समिति बनाते हैं या किसी सहकारी समिति में भाग लेते हैं तो ये लोग हमें अंदर कर देंगे, जेल में डाल देंगे। इट मीन्स आथर जो है वो बताती है कि ये जो गरीब लोग हैं, ये लोग अलग से दबे हुए हैं, गरीबी की वजह से अलग से दबे हुए हैं और अलग से ये जो लोग हैं वो भी इनको दबाए हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। आथर जो है वो फिर भी खुश है क्योंकि जो मुकेश नाम का लड़का है वो अभी भी कहता है कि वो स्वयं का मास्टर बनना चाहता है, स्वयं का ये एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और ये ड्राइविंग सीखना चाहता है और ये ड्राइविंग सीखने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना चाहता है, चाहे ये पैदल ही क्यों ना जाना पड़े ये जाने के लिए तैयार है। सो इस तरह से आथर जो है बताती है कि मुकेश गिव अप नहीं करता है। सो हमने दो स्टोरीज देखे हैं और उन दो स्टोरीज में हमने देखा कि जो साहिब की स्टोरी है, साहिब आलम की स्टोरी है, इस स्टोरी में क्या होता है कि जो साहिब नाम का लड़का है वो गिव अप कर देता है, वो स्वयं का मास्टर नहीं रहता बल्कि
इसके जो मास्टर है कोई दूसरा बन जाता है। इट मीन्स ये गिव अप कर देता है, अपनी लाइफ से हार मान जाता है और दूसरे के अंडर यानी दूसरे के नीचे ग्रेड में ही काम करता है। बट दूसरी स्टोरी में हमने देखा कि जो मुकेश नाम का लड़का है वो कभी गिव अप नहीं करता है, बल्कि ये सोचता है कि वो ये स्वयं का मास्टर बने। इट मीन्स दोनों स्टोरी की जो थीम है वो सेम है, बट दोनों स्टोरी में हमने देखा कि साहेब आलम नाम का जो लड़का है वो गिव अप कर देता है और मुकेश नाम का लड़का जो है वो स्वयं का मास्टर बनने के लिए तैयार है। सो इस तरह से आज की जो स्टोरी है उसमें हमने देखा कि पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर की वजह से बच्चों की जो स्थिति होती है वो काफ़ी दयनीय होती है। सेम सिचुएशन में ये लोग रहते हैं और फिर भी दोनों की जो सोच होती है वो अलग अलग रहती है और इस तरह से जो बचपना है वो खो जाता है, इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा है लॉस्ट स्प्रिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।